तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो ट्रांसफार्मर 7 राइज द बीस्ट रिलीज हो चुकी है, और ये मूवी देखने से पहले अगर तुम लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो फिर तुमको क्या करना चाहिए, सारी मूवी जाके देखना चाहिए? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये मूवी मतलब देखने के लिए बल्कि कोई मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग एक मूवी मूवी देख लोगे तो फिर तुम्हें अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तुम लोग इसका पहला पार्ट देख लोगे तो फिर तुमको अच्छे खासे तुमको जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो केवल दो ही ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर है, एक ऑक्टोपस प्राइम, दूसरा बम्बलबी। बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर मूवी बनी पड़ी है सब में ट्रांसफार्मर अलग आते जाते हैं, सब लोग मरते जाते हैं, लेकिन दो ही लोग एकदम पूरे सीरीज में लगे पड़े हैं, बने पड़े हैं, वो है बम्बलबी, दूसरा है ट्रांसफार्मर अपना ये ऑप्टिमस प्राइम जो पूरा ट्रांसफार्मर को लीड करता है। अब फिर अगर ये मूवी तुम लोगों को देखनी है तो ये 5 पार्ट जो शुरुआत के हैं वो एक अलग डायरेक्टर ने शूट किया है जिनका नाम है माइकल बे। तो फिर अगर उनमें से तुम लोगों ने एक भी मूवी नहीं देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस मूवी से कनेक्ट करना है तो फिर तुम्हें 6वां पार्ट देख लेना चाहिए, क्योंकि ये अलग टाइप का मतलब यूनिवर्स है। अब ये यूनिवर्स मैंने क्यों बोला इसके भी बारे में लास्ट में बात करेंगे अगर समय बचेगा तो। तो चलो फिर फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, ये मूवी कैसी है। तो फिर ये मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं स्टीवन कैपली जूनियर, जिन्होंने भाई अच्छा खासा इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और फिर वीएफएक्स वगैरह जो भी बैटल सीन सब कुछ देखने को मिलता है वो एकदम कमाल मास्टरपीस है। और फिर बात करें इसके जो करेक्टर है, ये मूवी एक फ्रेंचाइजी से जुड़ने जा रही है, वो भी लास्ट में बात करूँगा किससे। लेकिन अभी बात करें इसकी कहानी, देखो कहानी वगैरह तो बहुत ज़्यादा अलग यूनिक नहीं है, वही सेम है, मतलब अपनी पृथ्वी को बचाना है, जो कि एक यूनिक्रॉन नाम का एक वो है यार, एक है एग्जिस्ट करता है बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर जो गैलेक्टस, जानते होगे अगर तुम लोग मार्वल मूवी देखते हो, जो कि अपना फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलता है, जो वो राइज वाला होता है जो उसको राइज को भेजता है पृथ्वी पर जाके अपना एक वो होल क्रिएट करता है, फिर उसी होल में घुसकर वो पूरे पृथ्वी को तबाह कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जो होता है स्क्रैच वो जो है उसका वो जो मतलब चेला होता है वो जाके उसको वो चीज़ देता है, जो कि अगर वो चीज़ पा लेता है तो वो वार्म होल की मदद से वो कहीं भी क्या होता है यार वो आ सकता है, वार्म होल की तरह टेलीपोर्ट हो सकता है। हाँ टेलीपोर्ट हो सकता है। तो वही सेम वही पृथ्वी पर वो की जो है एक तरीके की होती है, उसे जो है ऑक्टोपस प्राइमल जिसे मैक्सिमल बोला जाता है, जो मैक्सिमल का लीडर होता है, वो उसको दो टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग जगह पर रख देता है, ताकि कोई भी आए के एक की को उठाता है तो फिर दूसरे की को अगर जो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो की काम नहीं करेगी। तो वही सेम फंडा होता है, इसी तरीके से इसको पूरे मूवी में इसी तरीके से उस की को न पाते हुए पूरे मूवी में पूरे मूवी के टाइम में बैटल सीन हमको देखने को मिलता है, मस्त लड़ाई मीठी इन्फिनिट वार की तरह ही हमको यहाँ पर एकदम बैटल सीन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और मज़ेदार है, एकदम मज़ा लेने के लायक है। और फिर देखा जाए तो जो ह्यूमन है, जो लौंडे लोग इसमें दिखते हैं, वही बोलता है कोई ना कि गाड़ फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। भाई इतने बड़े बड़े से तुमको ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं, और फिर इतना बड़ा यूनिक्रॉन जो कि भाई पूरा एक प्लैनेट निकल जाता है वहाँ के सामने, छुट्टू से पिद्दी से जान भर के ह्यूमन आके मस्त डायलॉगबाजी करते हैं, भाई ये देख कर इतना ज़्यादा मतलब चूतिया टाइप कमेंट लगता है कि यार क्या ही बोले। लेकिन फिलहाल मूवी की बात करें तो मूवी मज़ेदार है। ये मूवी जो है भाई ज्वाइंट होने जा रही है जियो से, जिसमें हमको अपने वो भी रॉक जॉनसन भी देखने को मिलेंगे, और बम्बल भी अगर तुम लोगों ने देखी है तो उसमें अपने जॉन सीना भी देखने को है। तो फिर ये मूवी जब इन दोनों के साथ मर्ज होगी तो फिर हमको ये दो एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर बात करी जाए, देखो यार जो माइकल बे वाली मूवी थी जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लास्ट नाइट में देखा था, तो उसमें बताया जाता है जो अपनी पृथ्वी होती है वही होती है यूनिक्रॉस, जो कि साइबर ट्रॉन का दुश्मन होता है, ये भी बताती है। लेकिन क्या मुझे ये लगता है क्या यहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है क्या, क्योंकि उस ट्रांसफार्मर मूवी से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हो सकता है कि वो अलग यूनिवर्स में वो पृथ्वी एग्जिस्ट करती हो जो कि यूनिक्रॉन नाम से जानी जाती है, और फिर यहाँ ये पृथ्वी ये अलग टाइप की है जो कि यूनिक्रॉन से ही आकर इसको भाई निकलने वाला था।
तो फिर पता नहीं क्या सीन होने वाला है, या फिर वो फ्रेंचाइजी का द एंड हो चुका है, माइकल भी वो छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन भाई जब लास्ट में हमें वहाँ क्वांटेसिया देखने को मिलती है, लास्ट में इंड क्रेडिट सीन पे आती है, तो वो एक होप देती है कि इसको यूनिक्रॉन को जो सींग निकले होते हैं, तो बोलती है कि तुम इसको मत टच करो, लेकिन मैं तुमको बताऊंगी कि इसको कैसे मारना है। तो वो सीन देखकर मैं भाई फुल एक्साइटेड था कि इस मूवी को नेक्स्ट पार्ट देखना है। लेकिन फिलहाल बम्बल बी आ जाती है, अब ये राज द बीस्ट आ जाती है, उसका कुछ था ही पता नहीं है। तो हो सकता है उस फ्रेंचाइजी को अपने माइकल भी आगे बढ़ाए, और इस फ्रेंचाइजी को अपने ये स्टैनली जूनियर जो कैमिली है ये आगे बढ़ाए। तो फिर पता नहीं, जो भी हो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो तो फिर बताना। अगर तुमको ये जानकारी थी तो फिर सोचना इसके बारे में, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर कुछ भी माइंड में आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।